chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello guys, welcome to Car School, and please subscribe our channel. और आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट का। इसका प्रोडक्शन 2011 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक कंटिन्यू रही है ये। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 5,60,000 से और जाता है 9,90,000 तक। इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेड, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू एंड ऑरेंज कलर के। और ये ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं VXI वेरियंट। सेफ्टी के अंदर हमें इसमें मिलता है ABS, EVD, एयरबैग्स, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स एंड सीट बेल्ट्स। और ये 2016 मॉडल आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। 32,000 किलोमीटर्स चल चुकी है पर अभी तक मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कार में और सिर्फ सर्विसिंग हुई है कार की। अगर आप सेकेंड हैंड स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी कार है ये। ये है इसकी हेलोजन हेडलैम्प, ये हेलोजन बल्ब और ये इंडिकेटर, और ये है फॉग लैंप्स, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का बम्पर। सुजुकी का लोगो, ग्रिल और इसमें हमें मिलते हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स, एलॉय व्हील का भी ऑप्शन आता है। इसका टायर साइज है 185/70 R14 का और ये VVT इंजन की बैजिंग। ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये। और ये है इसकी रूफ, और ये FM एंटीना, और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से। काफी स्टाइलिश डिजाइन है कार का। और ये हेलोजन टेल लैंप्स, काफी स्टाइलिश डिजाइन में है। और ये मारुति सुजुकी की बैजिंग, ये सुजुकी का लोगो, और ये स्विफ्ट और VXI की बैजिंग। इसमें हमें मिलती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 1200 kg का कर्व वेट है। और ये है स्टॉप लैंप, और एक स्टॉप लैंप हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अब कार का बूट खोल के देखते हैं। इसमें हमें मिलता है 268 लीटर का बूट स्पेस और काफ़ी वाइड ओपनिंग है। और ये है टेल गेट पे लाइट्स, और ये डिक्की का हैंडल, और कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट, ये लगेज ट्रे। ये है इसका स्पेयर टायर, सेम साइज मिलेगा। कुछ ऐसा दिखता है कार का पैसेंजर साइड डोर, और ये है डोर हैंडल, और ये आर्मरेस्ट फैब्रिक फिनिश के साथ, और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक हैंडल, स्पीकर, और ये बोतल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस, और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से।
इसमें हमें मिलती है ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ग्रे एंड ब्लैक कलर में, काफी अच्छा लेग स्पेस मिलता है कार में, और कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर पीछे का अंदर से, और ये ग्रैब हैंडल, सीट पॉकेट्स, और ये रीडिंग लाइट, ग्रैब हैंडल, और कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड। इसमें हमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और हम्प जो है काफी कम मिलेगा कार में, 3 लोगों को बैठने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और हमें इसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और ये लगेज ट्रे। तो अब ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर अंदर से, और ये आर्मरेस्ट, डोर हैंडल, और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये ORVM के कंट्रोल्स, लॉक हैंडल, स्पीकर, बोतल होल्डर, और थोड़ा सा स्पेस, और कुछ ऐसी दिखती है कार फ्रंट से। और ये है सीट एडजस्टर, फ्यूल लिड, और बूट ओपनर, यहां से खुलेगा बूट, और यहां से फ्यूल लिड, और ये पेडल्स, और ये बोनट ओपनर, लाइट के कंट्रोल्स, और अलार्म के कंट्रोल्स, ये थोड़ा सा स्पेस, और ये AC वेंट, और यहां से डलेगा इसमें पेट्रोल। यह है इसका 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और ये डैशबोर्ड। सेंटर में हमें सुजुकी का लोगो मिलता है, और ये AC वेंट। सेंटर में हमें हैजर्ड लाइट का स्विच मिलता है, और यह है कंपनी फिटेड स्टीरियो। इसमें हमें 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ये AC के कंट्रोल्स, और ये USB और AUX का ऑप्शन, और 12V का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस, कप होल्डर, और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंड ब्रेक, गियर लॉक, ये थोड़ा सा स्पेस, और डैशबोर्ड पे सिल्वर लाइनिंग मिलेगी। ये एक कप होल्डर मिलेगा हमें AC वेंट के नीचे, और ये ग्लव बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस मिलता है, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर अंदर से। और ये ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा हमें इसमें, और ड्राइवर साइड हमें कार्ड होल्डर मिलता है इसमें, और मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलेगा। यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अब कार ऑन कर लेते हैं। ऑन होने पर कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें हमें शो करता है RPM, स्पीड, फ्यूल, इंजन हीटिंग और वार्निंग लाइट्स।
और सेंटर में एमआईडी मिलेगी। एमआईडी में हमें शो करता है एवरेज रेंज किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। इसके म्यूजिक सिस्टम में हमें मिलता है एफएम, यूएसबी, ऑक्स और सीडी का ऑप्शन। और कुछ ऐसा है इसके म्यूजिक सिस्टम का साउंड। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस लाके रखे, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टार्ट होने पे कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अब कार का बोनेट ओपन करके दिखाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 83 bhp की पावर और 115 nm का टॉर्क। और 37 लीटर के फ्यूल टैंक से ये हमें माइलेज देती है 15 से 20 के बीच में। और इसमें डीजल इंजन भी आता है जो कि 1.3 लीटर में आता है। और अभी इंजन काफ़ी अच्छी कंडीशन में 32,000 किलोमीटर्स के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसी लगी।